औरंगाबाद में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। एक पवन नामी शख्स ने औरंगाबाद से एक मुसलमान लड़की को काम की लालच देकर राजस्थान गुजरात ले जाकर बेच दे रहा था और हिंदू लड़के के साथ वो लड़की की शादी करा रहा था। वहाँ के कुछ नौजवान मिलकर वो लड़की को और उस आरोपी को औरंगाबाद पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने केस लिखने से इनकार कर दिया और उस आरोपी को रिहा कर दिया। दोपहर में इनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर लाया गया। एक शख्स जो है तो उनको गुजरात के अंदर ले जाकर वहाँ पर बेचने का कारोबार कर रहा था, तो वो उसको यहाँ पर पकड़ के लाया गया था। पूरे शहर के नौजवानों ने पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने जो है तो उससे मांडोली करके उसको छोड़ दी। तो ये हमारे बहन यहाँ पर अभी खड़े हुए। आप बाजी, आप बताइए क्या नाम है आपका? फौजी। आप कहाँ पर रहते बाजी? कैसर कॉलोनी में रहते। तो क्या वाक्य है, ये क्या हुआ आपके साथ, आप बताइए। यहाँ पर पूरी जनता इसके बारे में जानना चाहती है। ये सिटी चौक जिनसी पुलिस स्टेशन जो तो क्या कर रहा है और किस तरीके से जो तो इंसाफ का गला घोटने का काम कर रहा है और एक जालिमों का साथ दे रहा है, आप बताइए कैसा है, क्या कर रहे हैं? ये लोग जालिमों का साथ दे रहे, मेरा नहीं दे रहे और मुझे ले जाके बेच डाला उन लोगों ने। कैटरर्स के क्या नाम है उसका? काम करा पवन नाम है इसका। पवन नाम है। तेरा नाम वहां क्या बोल के लेके गया था यहां से? उसने बोला कैटरर्स का काम कराऊंगा मैं तेरे वास्ते, बोले तो पैसे दूंगा, बोले दिलाऊंगा, बोले बहुत सारे, बोले अच्छा किसी को बोलना नहीं, बोले शादी कैसे करे शादी। अच्छा, उसके बाद वहां ले जाके क्या किया उसने? मंदिर में शादी करा, मंदिर में शादी करा उसने 1 बजे रात में मेरी। अच्छी बात। और मैं वहाँ से भाग के आने कर रही थी तो मैं वहाँ पे ही पकड़ लिया और रूम में बंद कर डाले, बोलते को यहीं रहना है। आपको कहा गुजरात में लेकर गए थे? हाँ, गुजरात की तरफ ही, राजस्थान की तरफ। अच्छी बात। तो आपको पीआई साहब ने सुबह से क्या बोले, केस बुक होता है उसके बाद में क्या बोले? केस चुप तो भी पेपर बना रहे, चुप तो भी लिख रहे मेरा, और बोले तेरा केस करेंगे बोले, और वो वहाँ पे लेकर वो आरोपी का है। फिर आरोपी किधर? छोड़ दिए। अभी ये और वो लोगों को चाय पिला रहे, उनको ठंडा दे रहे और टेबल बैठने को दे रहे, और हम लोग उनके साथ में तो सुबह से हमको कुछ भी नहीं दे रहे और ना कोई सीधी बात कर रहा, हमको हकार रहे और उनके छेचे जानते उनको अंदर बिठा रहे, और हम एक लेडीज उनके साथ में। क्या नाम है उसका? पुलिस वाला ही बोल रहे हैं ये बच्चों ने किसे मारा है। जो आरोपी है ये लड़कियों को यहाँ से सप्लाई करने का, मुस्लिम लड़कियों को यहाँ से सप्लाई करने का जाते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए ये जिनसे पुलिस स्टेशन के जो पुलिस प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन भी जो है तो ऐसे आरोपियों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का काम क्यों कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है इसके अंदर। और वो कहाँ है आरोपी, ये हम जिनसे पुलिस स्टेशन से पूछ